वास्ते पूरे राजस्थान वास्ते एक गर्व और गौरव विषय दिल्ली रमीना जन्म शताब्दी समारोह आयोजन कियो जा रहे है। वे सब वे कार्यक्रम रमीना देश भर न सिर्फ क्षत्रिय बल्कि छत्तीसी कौम रा लोग शामिल हो रहा है। आदरणीय तन सिंह जी जो एक सपनो देखियो तो वे सपने ना साकार करने वास्ते वे सपने ना साकार करने वास्ते मैं सब भेड़ा हुए उमर बतायो रस्ते माता पे हाँ और ये मूल मंत्र ना लेर आज मैं दिल्ली वास्ते जा रहा ये कल्पना भी कौन कर सको। और संगा मोटी चीज जहां हीरक जयंती भी हीरक जयंती अपने आप रमीना एक बहुत बड़ो उदाहरण तो अनुशासन रो उमर हुआ दिल्ली रमीना जो है आयोजन होने जा रहे है खुद रमीना एक बहुत बड़ो संदेश उसे और ये जो कल्पना भी आप आभार कौन कर सका पर काले जो को अपना दृश्य देखने मिल से वो वाकई अकाल्पनिक जो को सारी बात करी आप उत्साह देख सको कि दो ट्रेन भरीजर जा रही है लोग चला रहा है। मारे आबार कई सारे कार्यकर्ताओं में बात हुई तो कहता पड़ा कि सब टिकट अपना सोल्ड आउट हुआ रहा अर्था लोग है बाकी आना रहे अरेंजमेंट बाकी आना तो मना करना पड़े कि हमें थे रुको मैं एक बार जाया हूँ अगली बार कार्यक्रम कद लारे नहीं अटना चाहिए। आप बतानी चाहूँ कि अपने वो टाइम में ना एक कोई पढ़ेड़ो को नहीं तो वो दौर में ना वो मैट्रिक करी झुंझुनू में ना पढ़ाई करी जयपुर में ना पढ़ाई करी और इतना बार जार और अपने क्षेत्र वास्ते कई करण रो एक जज्बो ले रो गया पढ़ाई करी और एजुकेशन रे बाद रमीना इतार राजनीतिक जीवन रमीना भी वहा मेहनत करे और कई सारा मुकाम हासिल करे। आप सोचो कितना दूरदर्शी था जो आज तारीख रमीना जो चीजा की कल्पना आप पे कौन कर सका वही चीजा की कल्पना हुआ वही दौर रमीना करी। एक समाज की परिभाषा की होनी चाहिए नैतिकता की होनी चाहिए कर्तव्य की होना चाहिए जिम्मेदारियां की होनी चाहिए और सभ्य समाज की एक पहचान की होनी चाहिए व्याख्या हुआ वही टाइम करी थी। एक बदलाव री बात करी हुआ जो बहुत बड़ी चीज है और उम्र बतायोड़ी मैं जहाँ पहला आपने कहो कि उम्र बतायोड़े रस्ते माथा चलन रो प्रयास मैं सब युवा कर रहे हैं और